हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चे, हमने पिछले दिनों में अरो गद्य खंडे में से हमने जो चैप्टर किया था उसका नाम था गलता लोहा। ठीक है, इसमें दो बच्चों की कहानी बताई गई थी, वो मैंने आपको पूरा बता दिया था। तो आज हम काव्य खंड में से आज वे आंखें कविता करेंगे जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। देखो बच्चों, वे आंखें इसमें किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है, यानी कि ये जो कविता है, पूरी की पूरी कविता जो है वो कवि को दुखी कर जाती है। क्या दुखी करते हैं? किसानों की हालत। तो इसमें कवि यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान लोग जो हैं कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो है, उनकी कंडीशन जो है, वो वैसे की वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। तो चलिए, पहले इस कविता को समझाने से पहले हम इसके कवि के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इस कवि का जन्म, रचनाएं कहाँ पर हुई हैं। तो इनका जो जन्म है, सबसे पहले तो जो इनका नाम है, मूल नाम मतलब इनका असली नाम जो है वो है गोसाई दत्त। क्या नाम है? गोसाई दत्त। अभी इनका जन्म जो है वो सन 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा, कहाँ पर है अल्मोड़ा? उत्तरांचल में हुआ था। कब हुआ था? 1900 में हुआ था। और कहाँ पर? अल्मोड़ा, जो कि उत्तरांचल में है, वहां पर हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनको जो सम्मानित किया गया था, इनको जो सम्मान दिया गया था वो था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी से नवाजा गया था इन्हें। फिर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, और जो सबसे मेन था, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। और इनकी जो मृत्यु थी, इनकी जो डेथ थी, वो सन 1977 में हुई थी। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1900 है, और जब इनकी डेथ हुई है तो वो कब हुई है? 1977 में, यानी कि वो 77 वर्ष के थे। तो इनमें सुमित्रा नंदन पंत, ये क्या है, ये छायावादी कवि रही है। इन्होंने छायावादी कविताएं रची हैं, यानी कि ये अपनी कविता में बिल्कुल जो होता ना असलियत, वो दिखाने का प्रयास करती हैं। इनको बाहरी जो दिखावे है वो पसंद नहीं है, ये सिर्फ उसी के बारे में बताती हैं जिसके बारे में ये खुद पहले श्योर होती हैं। तो इन्होंने प्रकृति के ऊपर भी काफी रचनाएं लिखी हैं। और अब जो इनकी मेन है, वे आंखें, इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी जो है किसानों की दशा के बारे में बता रही हैं कि देखो बच्चे, किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, वो कभी धूप नहीं देखते, कभी छांव नहीं देखते, कभी बारिश, कभी सर्दी, गर्मी, ये सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज भी किसानों की जो कंडीशन है, स्थिति है, वो वैसे की वैसे ही है। हमारे देश को इतने साल हो गए आजाद हुए, हमें तो आजादी मिल गई, किसानों को भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति तो पहले भी वैसी थी और अब भी वैसी ही है। उनका जो है, जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं उनका आज भी शोषण कर रहे हैं। इनकी जो आंखें हैं, कहते हैं ना, इनकी आंखों की जो है समानता किससे की गई है? एक अंधेरी गुफा से की गई है। जैसे एक अंधेरी गुफा होती है, वहां पर कोई भी रोशनी की किरण नजर नहीं आती, वैसी ही क्या है इनकी आंखें भी, क्या होती हैं किसानों की आंखें? शून्य होती हैं इनकी आंखें जो है, उसमें एक अंधकार छाया होता है और उनको देखकर हमें डर लगता है। जैसे एक अंधेरी गुफा को देखने पर हमें डर लगता है, क्योंकि वहां क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती। वैसे ही किसानों की जो आंखें हैं
वो भी उस अंधेरी गुफा के समान है, यानी कि हम अगर किसानों की आंखें देखें तो हमें भी डर लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में क्या है, अपने परिवार को लेकर चिंता, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। क्योंकि उनका क्या है, उनका जो दायरा है वो वही का वही टिका हुआ है। तो चलिए हम जो इसका फर्स्ट स्टेंजा है जो वो करते हैं, कहते हैं अंधकार की गुफा, अंधकार की गुफा सरीखी, गुहा, गुहा मतलब गुफा, गुहा मतलब गुफा। उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब गुहा, गुहा किसे कहते हैं, गुफा को कहते हैं। सरीखी, सरीखी मतलब समान, इक्वल। फिर कहते हैं दारुण, दारुण मतलब भयानक। कहते हैं इस स्टेजी के माध्यम से जो किसान कवि है वो किसानों की दुर्दशा पर, उसकी हालत को देखकर बहुत दुखी है और वो अपना सारा दुख जो है इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कवि कि किसानों का जो, किसानों की जो दुर्दशा है, उनकी जो बुरी हालत है, उसका मार्मिक चित्रण किया है। मार्मिक मतलब जो हमारे दिल को छू जाए, मार्मिक मतलब मर्म को छूने वाला, हमारे दिल को छूने वाला। उस किसान की जो आंखें हैं वो कैसी हैं, दुख दीनता से भरी हुई हैं, उस अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती है। जैसे एक अंधेरी गुफा हमें डरावनी लगती है, वैसे ही किसान की आंखें जो हैं वो ही बहुत ही डरावनी लगती है, उससे डर लगता है। कहती हैं कि जिस प्रकार हमें अंधेरी गुफा के अंदर झांकने पर भी डर लगता है, वैसे ही अगर हम किसान की आंखों की तरफ देखें, उसमें झांक कर देखें, तो वहां पर भी हमें डर लगेगा, वहां पर ही उनका दुख ही दुख नजर आएगा। फिर कहते हैं भरा दूर तक उनमें दारुण, उसी प्रकार आंख जो किसान की आंखें हैं वो भी वैसे ही नजर आती हैं, क्योंकि उनमें रोशनी की कोई किरण ही नजर नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले बताया कि गुफा में, अंधेरी गुफा में कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही, वैसे ही क्या है, किसानों के लिए भी वो रोशनी की किरण जो है वो बुझ चुकी है, उनमें अब वो रोशनी नहीं रही, उनको आशा ही नहीं है कि उनके जीवन में बदलाव आएगा। अब तो उसने सोच लिया है कि उसकी जो किस्मत में क्या है, सिर्फ गरीबी ही है, दरिद्रता है, और उसकी आंखों में गरीबी का कष्ट है, दुख है, और उसको कष्ट को सह जाने का मौन रुदन व्याप्त है, यानी कि वो रोकर अपनी व्यथा को भी नहीं बता सकते। उनकी आंखें जो हैं उससे साफ पता लगता है कि उसकी आंखों में मौन रुदन है। मौन रुदन मतलब एक शांत सा रोने वाला, रुदन मतलब रोना, ठीक है, कि वो रोते हैं लेकिन अंदर ही अंदर रोते हैं, वो बाहर जो है अपनी आंखें में से जो आंसू निकलते हैं वो नहीं दिखा सकते। इसीलिए उनकी आंखों में झांकने का साहस जो है वो कोई भी नहीं कर पाता। तो अब हम दूसरा स्टेज लेंगे। अब है कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझदार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। अब इसमें कवि जो है वो क्या समझाना चाहते हैं कि स्वाधीन, स्वाधीन मीन्स आजादी। वो कहते हैं कि आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है, ठीक है, यानी कि आज हमारा भारत जो है वो आजाद है, किसान भी आजाद हो चुका है। इस बात का अभिमान उसको भी है, उसकी आंखों में भी झलकता है कि आज हम आजाद देश में रह रहे हैं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि यह स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में कुछ सुधार नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पहले बताया, कविता शुरू करने से पहले बताया कि उनकी स्थिति तो आज भी वैसी है जैसी पहले थी। तो यही अब कवि इस स्टेंजा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा भारत देश आजाद हुआ, इस चीज का अभिमान जो है वो किसानों के आंखों में भी दिखाई देता है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि उसकी जो कंडीशन है वो आजादी से पहले भी वैसी थी जैसी आज है। तो अब कहते हैं कि इसकी दशा में, इनकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ और ना ही सुधार होने के कोई अंदेशा नजर आ रहा है। फिर कहते हैं कि किसान को मझधार ने छोड़, मझधार, मझधार मतलब धारा के बीच में, जहां पर हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता कि हमें, जैसे मझधार यानी कि धारा के बीच अगर हमें छोड़ दे, हमें समझ नहीं आता कि हमें किस साइड जाना है।
तो वैसे ही किसान जो है मझधार में है, उनकी जो समस्याएं हैं उसको समझ ही नहीं आता कि उस समस्याओं से वो कैसे निपटे। उसको जो क्या है घर के हालात ऐसे हैं, ठीक है, उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं, विभिन्न समस्याएं जो है वो उसका सामना करना पड़ता है, तो उसको समझ ही नहीं आता। वो अपने आप को मझधार में फंसा हुआ पाता है, बीज धारा में फंसा हुआ पाता है। तो वो कहती हैं कि उन्हें स्वतंत्रता को कोई लाभ ही नहीं मिला, वो तो आज भी वैसे की वैसी अपने आप को महसूस कर रही हैं, तो उसके लिए आजादी का कोई मायना ही नहीं है। तो यही है, यही कवि बताना चाहते हैं कि उनकी स्थिति वैसी की वैसी ही है जैसी अब है। ठीक है, हमारा भारत देश तो आजाद हो गया लेकिन हमारे किसान लोग वही के वही हैं। तो चलिए हम अगला अब जो है स्टेजा करते हैं। तो चलिए बेटा अब हम करते हैं अगला स्टेजा। लहराते वे खेत भूमि हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण में। देखो बच्चों, अब कवि क्या बताना चाहते हैं कि ये जो किसान लोग हैं वो कभी अपने खेतों को लहराते हुए दृग मतलब आंखें नयन, ठीक है, कि कभी अपने खेतों को लहराते हुए इन किसानों की आंखों में जो खुशी दिखाई देती थी, ठीक है, परंतु आज बेदखल, बेदखल मतलब जिसको निकाल देना, परंतु आज उसके खेतों से अलग कर दिया गया है। जिन खेतों को यानी कि जिन फसलों को लहराते देखकर किसान की आंख में खुशी झलकती थी, चमक आ जाती थी, आज उसको उनके खेतों से ही अलग कर दिया गया है। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनकी त्रिन त्रिन से, त्रिन त्रिन मतलब तिनके, कहते हैं कि जो हरियाली यानी कि खेतों में फैली हरियाली को, उसके तिनकों को देखकर जो खुशी उसका या जो उसका मन खुशी से झूम उठता था, वो क्या है जो उसकी खुशी के आधार थे। किसान के लिए उसकी खुशी क्या है, खेत लहराती फसलें, वो किसान की खुशी का आधार है, और उसी में से ही वो उसका जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया है, उसका अधिकार जो है वो उससे छीन लिया गया है, और उसकी जो जीवन की प्रसन्नता है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। कहने का भाव ये है कि जो किसान लहराती फसलों को देखकर खुश होते थे, उनके तिनके तिनकों को देखकर खुश होते थे, वही खुशी जो थी वो आज खत्म हो गई है, उसकी प्रसन्नता का अंत कर दिया गया है। इसकी इनकी प्रसन्नता का अंत किसने किया है, जो महाजन लोग हैं, जमींदार लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो किसानों को दबाते हैं, शोषण करते हैं। तो अब अगला जो है, आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब कवि क्या कहना चाहती हैं कि किसान का एक बेटा था, ठीक है, किसान का एक बेटा था जो कि किसने मार दिया, महाजनों के कारकुनों, कारकुनों का मतलब होता है बेटा जो जमींदारों ने आदमी रखे होते हैं, जिनके हाथ में आपने देखा होगा लठ होते, लठेत, उसको लठेत बोलते हैं, ठीक है, उन लोगों ने उसके इकलौते बेटे को यानी कि किसान के इकलौते बेटे को मार दिया। किसने मार दिया, लठेत ने, लठेत कौन थे, जमींदार के जो रखे गए आदमी थे, उन्होंने किसान के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अब किसान के जीवन में क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। एक तो किसान वैसे दुखी, ठीक है, क्योंकि उनकी स्थितियां ऐसी हैं, दूसरा उसका जवान बेटा मारा गया, इकलौता बेटा मारा गया, ठीक है, अब क्या है, किसान के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अब उसको आशा की किरण कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि क्या है, माता पिता के लिए उनके बच्चे ही आशा की किरण होती हैं, ठीक है। अब उसके बेटे के चले जाने के बाद अब जो किसान की जीवन है वो निराशा से भर गया है। तो चलिए बच्चों आज इतना ही, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी पहरे मैंने करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी का हम कल करेंगे ताकि हमें ये पहरे जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएं। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।